हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सी जॉब्स न्यूज़ पर। आज हम आपको जो है एक विज्ञापन की जानकारी जो है छत्तीसगढ़ में जो भर्ती हो रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये जो है कार्यालय जिला शिक्षा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर, जिला सत्र न्यायालय जो होता है जिलों में उसका जो है सरगुजा अंबिकापुर में जो है भर्ती हो रही है। इसके लिए जो है ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन मंगाया गया है 15 जनवरी 2019 शाम 5 बजे तक। तो आप जो अगर इसमें करना चाहेंगे आवेदन, तो ऐसे आवेदन अपना भेजें कि जो है 15 जनवरी 2019 के पहले जो है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को पहुंच जाना चाहिए। तो जो वहां के लिए जो है वाहन चालक और भृत्य के जो है पदों के लिए जो है यहां पर भर्ती प्रक्रिया जो है हो रही है। और वाहन चालक के जो है यहाँ पर कुल 2 पद हैं और भृत्य के भी जो यहाँ पर कुल हैं 2 पद हैं। तो इस प्रकार से जो है वाहन चालक के 2 पद और भृत्य के लिए जो है 2 पदों की जो है यहाँ पर भर्ती हो रही है। और पदों की संख्या जो है आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और भर्ती के लिए जो पात्रता जो है वाहन चालक के लिए जो वेतनमान जो होगा 19,562 से 62,000, और ग्रेड वेतन जो होगा 1900, शैक्षणिक योग्यता के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास जो होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। भृत्य पद के लिए जो है वेतनमान जो होगा 15,600 से 49,040, और ग्रेड वेतन जो होगा 1300 होगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, और आवेदक का जो है रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो है विभिन्न और शर्तें जो है यहाँ पर दे दी गई हैं, उन्हें जो है आप आवेदन का जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सीधा इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन का जो है इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ मंगाई गई हैं। और आवेदन पत्र भरने से पहले एक बार इस विज्ञापन का जो है अच्छे से अध्ययन कर लें, देख लीजिए आवेदन पत्र किस प्रकार से भेजना है। एक स्पष्ट स्पष्ट और स्वच्छ अक्षरों में जो है आवेदन पत्र जो है टंकित किया जाए, और या फिर इसी का प्रिंट आउट निकलवा लें, और दिनांक 15/1/2019 के पहले जो है आपको जो है आवेदन वहाँ कार्यालय तक पहुँचाना है। और इसका जो है वेबसाइट अगर आवेदन पत्र और देखना चाहते हैं तो districtsecourts.gov.in/sarguja पर जाकर के जो भी आप जो है देख सकते हैं। और नियुक्ति के लिए देख लीजिए किस प्रकार से होगा। कौशल परीक्षा जो है 25 अंक का होगा, साक्षात्कार जो है 25 अंक का होगा। इस प्रकार से मेरिट सूची बनाई जाएगी वाहन चालक के लिए, और भृत्य के लिए जो है साक्षात्कार जो है सीधा 25 अंक का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर जो अंतिम चयन किया जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी और सीधा जो है इंटरव्यू के माध्यम से जो है इसका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जो है काफ़ी जानकारी है, और विभिन्न जानकारियाँ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है इसके आवेदन का जो है दे देंगे। आवेदन का जो है फॉर्मेट जो है ये देख लीजिए, आपका प्रारूप जो है इस प्रकार से है। इसे आप चाहे तो सीधा प्रिंट आउट निकलवा करके अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में और फॉर्म को जो फिलअप करके आप इसको जो है समय से पहले भर सकते हैं। तो समय का ध्यान रखें, 15 जनवरी 2019 के पहले जो है आवेदन आपके विभाग तक पहुंच जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको जो दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।